दोस्तों बात करते हैं उस पर कि जिसका नाम है काशी। उनका जन्म हुआ है 15 दिसंबर 1996 देहरी रोहतक बिहार का। उनकी एज है 27 साल। राइट हैंड वो बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। प्लेइंग रोल की बात करें तो वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। टीम्स की बात करें तो वो बंगाल से खेल चुके हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया से खेल चुके हैं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से वो खेल चुके हैं। करियर स्टैट की बात करें तो फर्स्ट क्लास 329 मैच की 48 इनिंग में उन्होंने 103 विकेट लिए हैं। बॉलिंग बैच 60 रन देकर 6 विकेट, इकोनॉमी है 3.04 का। लिस्ट ए की बात करें 28 मैच की 28 इनिंग में उन्होंने 42 विकेट चटकाई हैं। बॉलिंग बेस्ट रहा है 6 रन देकर 3 विकेट, इकोनॉमी है 4.82 का। T20 की बात करें तो 41 मैच की 41 इनिंग में उन्होंने 48 विकेट चटकाए हैं। बॉलिंग बेस्ट रहा है 35 रन देकर 4 विकेट, इकोनॉमी उनका रहा है 7.52 का। बैटिंग फील्डिंग की बात करें तो फर्स्ट क्लास की 29 मैच की 36 इनिंग में उन्होंने 418 रन बनाया। स्कोर उनका है 53 रन का। स्ट्राइक रेट 78.13 का है। लिस्ट की बात करें 28 मैच की 16 इनिंग में 140 रन और 44 रन उनका हाई स्कोर है। स्ट्राइक रेट 116.66 का है। T20 के 41 मैच की 13 इनिंग में उन्होंने 76 रन बनाए हैं। हाई स्कोर उनका है 17 का। स्ट्राइक रेट 146.15 का रहा है। डेब्यू की बात करें फर्स्ट क्लास मैच का डेब्यू बंगाल वर्सेस आंध्रा के मैच में ईडन गार्डन में 25 दिसंबर 2019 को उनका डेब्यू हुआ था। स्टे की बात करें तो गुजरात वर्सेस बंगाल के मैच में जयपुर में 27 सितंबर 2019 को उनका डेब्यू। T20 की बात करें तो बंगाल वर्सेस महाराष्ट्र के मैच में इंदौर में 9 मार्च 2019 को उनका डेब्यू था। रीसेंट बैच की बात करें तो इंडिया ए वर्सेज इंग्लैंड लॉन की मैच में 56 रन देकर 4 विकेट और 47 रन देकर 1 विकेट उनका बेस्ट रहा है। और इंग्लैंड लॉन के खिलाफ ही उन्होंने 46 रन देकर 4 विकेट और 57 रन देकर 2 विकेट उनका बेस्ट रहा है। इसके अलावा उन्होंने की तरफ से खेलते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ 8 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। साथ ही उन्होंने 10 रन बनाए हैं। गोवा के खिलाफ 6 रन देकर 3 विकेट जो उन्होंने लिस्ट ए में लिए उनका बेस्ट रहा है। देखते हैं कि उनको भारतीय टीम में जो टेस्ट मैच में मौका मिला है या अगर उनको प्लेइंग 11 में चांस मिलता है उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है। यथा ऐसी रिपोर्ट कैसा लगा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।